Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. Which of the following are advantages of zero tillage in agriculture? ठीक है. Zero till मतलब जो होता है ना, हम crops को काटते नहीं हैं. जो जब waste हो जाता है तो उसको काटते नहीं हैं, उसको पड़े रहने देते हैं. तो उसका क्या advantage है? ठीक है. Sowing of wheat is possible without burning the residue. Yes. विदाउट बर्न, जो रेसिड्यू है हम उसको बर्न नहीं करते हैं, यही तो उसी को तो जीरो टिल बोलते हैं. हम उसको टिल नहीं करते हैं ग्राउंड को. ठीक है, हम उसको वो जो होता है ना एश स्लैश स्लैश एश बर्निंग, क्या होता है वो हम नहीं करते हैं इसका. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो टिल. उससे क्या होता है, एक्चुअली फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की. ठीक है, तो विदाउट द नीड ऑफ फॉर नर्सरी द राइस सैम्पलिंग डायरेक्टली प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल. येस इट इज़ पॉसिबल. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द सॉइल इज पॉसिबल. येस इट इज़ पॉसिबल. अगेन ये क्या है, पॉजिटिव टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव चीज़ है. जीरो टिलेज, जीरो टिलेज नहीं करेंगे अगर हम रेसिड्यू को बर्न नहीं करेंगे तो हमारा पॉल्यूशन कम होगा. पॉल्यूशन कम होगा तो जितनी भी इसकी चीज़ें हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी. तो सोइंग ऑफ वीट इज़ पॉसिबल. येस, नर्सरी की राइस सैम्पलिंग्स बिना मतलब डायरेक्टली प्लांट कर सकते हैं. क्या होता है, राइस की सैम्पलिंग्स इनिशियली जब होती हैं, जब राइस कैसे कल्टिवेट होता है, पहले इनिशियली उसकी पानी में सैम्पलिंग्स को वो रेज किया जाता है और फिर बाद में जाके उसको फिर जहाँ पे राइस का कल्टिवेशन होता है वहाँ पे जाके उसको लगाया जाता है. तो इसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है. ठीक है, तो फिर से ये चीज़ किस पे आ गई, सस्टेनेबिलिटी पे. ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होंगी, सही होंगी. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी यही होता है कि कार्बन ज़्यादा अगर आप रेसिड्यू बर्न करते हो तो क्या होता है, कार्बन रिलीज़ होता है एटमोसफेयर में. नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं रिलीज़ हो रहा है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल. येस इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, तो इस टाइप से अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी. अलग दूसरा देखते हैं ऑन बायोफ्यूल्स. अब बायोफ्यूल्स फिर से क्या है, सस्टेनेबल चीज़ है. राइट, कोई भी नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल. अच्छा, पर इसने रॉ मटेरियल पूछा है इसमें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए हम क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, एक स्टेज वन था जिसमें बायोडीजल और इथेनॉल यूज़ होता है. फिर रॉ मटेरियल जो फूड के वेस्ट रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे रॉटन टोमेटोज़ हो गए, है ना, रॉटन पोटैटोज़ हो गए, ये सब यूज़ होते हैं. ठीक है, फिर जो 3G होता है, ये इसको 1G बोलते हैं, वन फर्स्ट जनरेशन, इसको सेकंड जनरेशन. फिर थर्ड जनरेशन आता है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं, शायद क्या यूज़ करते हैं, बायो डीजल, शायद बायो CNG वगैरह यूज़ करते हैं उसमें. ठीक है, तो वो होता है बायोफ्यूल, इसी में आता है थर्ड जनरेशन में. ठीक है, तो वो सब एल्गी, हाँ सॉरी, इसमें क्या थर्ड जनरेशन क्या करते हैं, एल्गी और बैक्टीरिया से बनाते हैं. ठीक है, फ्यूल तो वो होता है. तो ये सब बहुत न्यूज़ में था उस टाइम, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया. अब इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो, कैसावा, डैमेज वीट ग्रेन, जितने भी डैमेज फूड ग्रेन्स हैं ना वो सारे यूज़ होते हैं. तो डैमेज वीट ग्रेन्स येस हो सकता है. टू किस में है, ए में है, सी में है और डी में है. ठीक है, अब देखो ए सी और डी में कॉमन क्या है, ए सी और डी में कॉमन है, कुछ है कॉमन, फिफ्थ कॉमन है तो फिफ्थ भी सही हो गया. रोटन पोटैटोज मैंने बोला था सही है. ठीक है, और क्या कॉमन है, और बस और कुछ कॉमन नहीं है ना, टू कॉमन है, टू भी सही है. हाँ टू सही है. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, हॉर्स ग्राम, शुगर बीट और कसावा. सॉरी तो शुगर बीट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें. ठीक है, ये था, और हॉर्स ग्राम नहीं यूज़ करते हैं, हॉर्स ग्राम इज़ नॉट यूज. तो फोर्थ गलत है इसमें, तो 1, 2, 5, 6 हो जाएगा इसका आंसर. हॉर्स ग्राम हम इसमें यूज़ नहीं करते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का क्या है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. ठीक है, कॉस्ट है कोई चीज़ का, कोई निगेटिव चीज़ है. ठीक है, देखते हैं क्या है इन मॉनेटरी वैल्यू में, इसका क्या मतलब है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का. लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर. सही लग रहा है ये, है ना, बट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स. बेकार, ये तो सही नहीं है. ठीक है, कोई ऐसी सोशल कॉस्ट वो है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स हम कंट्री बर्न कर रही है, कंट्री फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रही है सिटीजंस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये कोई सोशल कॉस्ट नहीं है कार्बन का, है ना. सोशल कॉस्ट ये होता है कि आप डैमेज कितना कर रहे हो कार्बन से, मतलब कितना डैमेज हो रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है ना वो होता है सोशल कॉस्ट. कॉस्ट मतलब कोई मॉनेटरी वैल्यू जो कार्बन की वजह से हो रहा है, दैट इज सोशल कॉस्ट. राइट,
एफर्ट्स पुट बाय क्लाइमेट रेफ्यूजी बेकार है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द कार्बन फुटप्रिंट ये भी नहीं है, क्या है बेसिकली सबसे एप्ट ऑप्शन यही है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, क्या पता, देखते हैं आगे, डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं इसको। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, पता नहीं, हाफ तो बहुत ज़्यादा है ना, और फिर भी तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। इन द लास्ट थ्री डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि खरीफ का बढ़ा है रबी का कम हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो थर्ड हो गया गलत। अच्छा, थर्ड अगर गलत हो गया हमारा तो ये गया और ये गया, ठीक है, या तो वन सही है तो टू सही है। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी एंड ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्रोडक्शन, ये गलत लग रहा है टू वाला, कि हाफ ऑफ द प्रोडक्शन, ग्रीन ग्राम बेसिकली वो होता है जो मूंग दाल नहीं होता है, वो मूंग दाल होता है ग्रीन ग्राम, भाई बाकी ग्राम भी तो होते हैं, चने भी होते हैं, है ना, छोले भी होते हैं और वो राजमा भी होते हैं, ये सब भी तो कितना डिमांड में रहता है, सिर्फ मूंग थोड़ी है, मूंग 50% कैसे हो सकता है। तो ये हो गया गलत आंसर, हो गया वन, है ना, वन ओनली आंसर हो गया इसका। तो ये देखो, अब ये है अपना ग्रीन ग्राम, ये ब्लैक ग्राम है ना, इतने सारे ग्राम होते हैं, अब उड़द दाल वगैरह भी होती है इसमें, ठीक है, तो ये सब में कैसे ही हो सकता है, अब देख लेते हैं पहले। ग्राम इज़ मोस्ट डोमिनेटिंग पल्स 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ग्राम टोटल 40% है, जिसमें से ये मूंग कितना है, ग्रीन ग्राम कितना है, ग्रीन ग्राम इज़ ओनली 8-10%, ठीक है। तो इतना है, और ये दोनों में कल्टिवेट हो सकता है ब्लैक ग्राम। आगे बढ़ते हैं। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अब ये क्रॉप के बारे में बात किया गया, क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, हार्ड फ्रॉस्ट होगा तो इंजूरियस है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50-100 centimeters ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स, अ लाइट वेल ड्रेन सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज वेल सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। अब ये तो आपने क्रॉप्स पढ़ा है तो ही बता पाओगे, मैंने पढ़ा था, मेरे को पता था ये कॉटन का है, क्योंकि कॉटन में ही सबसे ज़्यादा फ्रॉस्ट फ्री डेज आपको चाहिए होते हैं, है ना, फ्रॉस्ट ना हो वही जो हैं वही होते हैं, मतलब वही कॉटन के लिए आइडियल कंडीशन होती है ना। अब देखो इसमें और कैसे एलिमिनेट कर सकते थे आप, देखो जूट, अब जूट कहाँ कल्टीवेट होता है, जूट आपका वेस्ट बंगाल साइड कल्टीवेट होता है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री का तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है, है ना, तो जूट हट गया। टी कहाँ आता है, टी आपका ये असम वगैरह में आता है ना, वहाँ बारिश बहुत होती है, पर वहाँ फ्रॉस्ट आती है क्या, फ्रॉस्ट नहीं आती वहाँ पे भी, तो ये हट गया। अब या तो शुगर केन है या तो कॉटन है, अब शुगर केन में नहीं होता है ये मेरे को पता था, तो कॉटन ही है इसका आंसर, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। With the reference to solar water pumps, consider the following. Solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. ये देखो ये बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है, इस ये अगर आपको आता है तो करो, इसमें लॉजिक तो जनरली आप इतना लगा सकते हो इसमें लॉजिक कि सोलर जो पावर होती है ना वो जो पावर देती है बैटरी से वो डीसी पावर होती है, ठीक है, तो डीसी पावर जो है वो जनरली मतलब अब इसमें क्या लिखा है, सरफेस इज़ यूज फॉर रनिंग सरफेस वाटर पम्प्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पम्प, सबमर्सिबल पम्प्स जो हैं उसमें यूज़ नहीं होता है, और दूसरा क्या बोल रहा है, रनिंग फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन, तो देखो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है ना वहाँ सोलर पावर नहीं यूज़ हो सकती, बट इसमें आपको पता ही नहीं ना कि सरफेस में यूज़ हो रही है सबमर्सिबल में यूज़ हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आई गेस डी है, ओके, नाइदर वन नॉट टू है, ओके, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, ना ना लॉजिक तो है नहीं इसमें, आप एक चीज़ कर सकते हो, लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें कोई, सरफेस पम्प से तो अंदर माउंटेड ग्राउंड लेवल सरफेस पम्प्स वर्क वेल व्हेन दे ड्रॉ वाटर सक्शन 10-20 feet, ये तो पता होना चाहिए। देखो सबमर्सिबल नहीं हो सकता क्योंकि सबमर्सिबल, बट इसमें भी नहीं है, गलती है, ठीक है, इसको आप अगर पता है तो ही कर सकते हो, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। With the reference to current trends in the cultivation of sugar cane in India, consider the following. A substantial saving in the seed material is made when the bud chip settlings are raised in the nursery and transplanted in the main field. Okay. When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds. Kitna to lamba hai. If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to the large sets. शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टिशू कल्चर। देखो अब शुगर टिशू कल्चर एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स फ्रॉम
टिश्यू कल्चर यस, सैपलिंग्स तो कहीं से भी आप बनाओ, है ना, कल्टीवेट तो आप कर सकते हो, सैपलिंग बनाना है, सेटलिंग्स बनाना ही तो मेन काम होता है. कहीं से भी बनाओ वो काम करेगा, तो शुगर ये वाला तो सही है. अब अगर फोर सही है तो मेरा या तो सी है या तो डी है, ठीक है, या तो हाँ, तो इन तीनों में से हमको कोई एक जो है उसको एलिमिनेट करना है. ठीक है, चलो देखते हैं कोई हो पा रहा है क्या. इफ़ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स. हाँ हो सकता है, क्या पता. व्हेन द डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बर्डेड सेट्स एज कम्पेयर टू द सेट्स विद मैनी बर्ड्स. अच्छा. अ सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड. ओके, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है. पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अ सब्सटैंशियल सेविंग इन द सीड मटेरियल इज मेड व्हेन द आर रेज इन द नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड. मतलब जैसे राइस कल्टिवेशन करते हैं ना, हम पहले सैपलिंग प्रिपेयर करते हैं और फिर बाद में जाके मेन जगह पे प्लांट करते हैं, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है, सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल, पहले नर्सरी में उसको रेज करो छोटे कंडीशन में और बाद में उसको ट्रांसप्लांट करो, तो ये चीज़ सही है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 and 4 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. गट पे भी मार सकते हो, दो कर लिए हैं तो गट पे मार सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, नहीं तो ऐसे पढ़ना तो मुश्किल ही है. आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. ठीक है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है. तो इको फ्रेंडली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ठीक है, तो वो एक पार्ट है इको फ्रेंडलीनेस का, जिसमें भी आप सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर पा रहे हो. ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. यस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, एक पैच पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की मान लो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, ठीक है, तो उससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है सॉइल की. ठीक है, और क्या होता है कि क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक क्रॉप जो है वो लॉस में चली जाती है, तो बाकी क्रॉप से फार्मर का इनकम आएगा. ठीक है, तो वो भी चीज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है. ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया. दूसरा क्या है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. अब देखो, अगर वन सही है, अगर वन हमारा सही है, तो ऑलरेडी 1, 2, 3 तो सही है ही, है ना, तो 1, 2, 3 तो सही है ही. अब इन तीनों में दिमाग हमको नहीं लगाना है. ठीक है, चौथा है वर्टिकल फार्मिंग, सिर्फ चौथे पे दिमाग लगाते हैं. वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, जिसमें लेयर्स में एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर ऐसे ना वो ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स का यूज़ करते हैं बेसिकली. इसमें क्या होता है, सॉइल बहुत कम लगता है, वाटर बहुत कम लगता है. ठीक है, तो इसीलिए ये इको सस्टेनेबल है. ठीक है, और जनरली देखो, ये फिर से क्या बोलूँगा मैं फिर से, ये किसका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमारा क्या रहता है कि पहला क्वेश्चन सही है, 1, 2, 3 तो सही है, बचा 4 भी जनरली क्या है, वर्टिकल फार्मिंग सही होगा, क्योंकि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के बारे में है. वर्टिकल फार्मिंग अभी नया नया आ रहा है, जितनी भी अभी नई टेक्निक्स आ रही है ना, जितनी भी अभी नई फार्मिंग की टेक्निक्स आती हैं, वो सब इस पे बेस्ड हैं कि कैसे हम उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं. वो सारी जितनी भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, ऐसी अभी कोई अभी रिसेंट में ऐसी कोई भी ऐसी नई टेक्निक नहीं आएगी जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हो. ठीक है, क्योंकि नीड ऑफ द आर यही है कि हम कैसे चीज़ों को सस्टेनेबल बना पाएँ. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4. आगे बढ़ते हैं, ये है देखो वर्टिकल फार्मिंग. इसमें क्या होता है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसमें इसको ग्रो करते हैं. अब इसमें यहाँ से पानी आता रहता है. ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स को भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, जहाँ ये उग रहे होते हैं ना, ये लैबोरेटरी कंडीशन से बेसिकली होते हैं. और जो लाइट होती है ये इसे मतलब LED वाली लाइट्स होती हैं, तो इन लाइट में ये प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं. अब इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. 100 acres की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 acre में ही आपको मिल जाती है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फार्म. ये अभी जापान में बहुत काफ़ी फेमस है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइज़र प्लस इरीगेशन. मतलब जब आप इरीगेशन में फर्टिलाइज़र डाल देते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लो हम पंप के थ्रू इरीगेशन कर रहे हैं, तो हम पंप के पानी में जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे हम थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल देंगे ताकि हर जगह तक पहुँच पाए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं. अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, तो ये आपको ना थोड़ा पढ़ा होना चाहिए तभी कर पाओगे ये क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर वेयर पॉसिबल, हो सकता है. ठीक है, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, हो सकता है. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ये तो है ही, डेफिनेटली है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो थर्ड तो सही है, तो ये हटा देते हैं हम लोग. उसके बाद रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल. यस,
लीचिंग में क्या होता है कि भाई जो जब फर्टिलाइज़र आप मारते हो तो कुछ कुछ फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में और वो चले जाते हैं बाहर रन ऑफ में, ठीक है। तो ये इसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, एफिशिएंट एप्लीकेशन हो जाएगा फर्टिलाइज़र का इरीगेशन के अगर थ्रू होगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा, है ना। तो 3 और 4 तो सही है, और अगर 3 और 4 सही है तो हमने कर दिया सी और डी, ठीक है। अब आपको 1 और 2 में तो पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, नहीं पता है तो बस ऐसे रैंडम 50-50 कर पाओगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो कोई एक मार देना। इसका आंसर वैसे है कि ये कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, कि हम एल्कलिनिटी जो है, जो बेसिसिटी है बेसिकली इरिगेशन वाटर की, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र का पीएच थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है, ये पता है तो ही कर पाओगे, नहीं पता तो कैसे करोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ये है छोड़ने के लिए, ठीक है। ये अगर इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू द OMT, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। OMT कैन बी इज़ मेजर्ड ओशन मीन टेम्परेचर जो है वो 26 डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर्स। ये एक्चुअली गलत है, 129 नहीं होता, ये 50 मीटर्स आई गेस होता है ना, ये 50 मीटर्स तक होता है। तो पहला हो गया गलत। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी से मार्च कैन बी यूज इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और नॉट, ये सही है। पर ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है पहला ये कि 50 मीटर होता है तभी कर पाओगे, नहीं तो रैंडम तो तुक्का नहीं मार सकते, है ना। तो इसमें भी कोई लॉजिक था नहीं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इज़ मार्केट ड्रिवन एंड इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा क्या हो सकता है? फर्टिलाइज़र किसको जाता है? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फार्मर्स को जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स को एकदम आप एब्रप्ट रेट पर तो दे नहीं सकते, तो ये कंपनीज फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में देती है, और उसकी सब्सिडी कौन पे करता है? उसकी सब्सिडी सरकार पे करती है ना। इन कंपनीज़ को, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज होती हैं, उनको सब्सिडी कौन पे करता है? सरकार पे करती है, यूरिया सब्सिडी वगैरह होती है ना ये सब। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये मार्केट ड्रिवन है, ये तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो नॉट वाला तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो 1 हो गया गलत। अब 1 गलत हो गया तो ये गया और ये गया, ठीक है। 2 सही है, 2 में दिमाग नहीं लगाना है। 3 देखते हैं। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग। येस, सल्फर मिलता है जब हम डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का। हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि स्वीट और सार क्रूड होता है ना, इंडिया में सार आता है, सार में सल्फर होता है, तो जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो सल्फर निकलता है। तो ये सही चीज़ है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, है ना। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड मिलती है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है, इसके लिए फेमस है। तो इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सही है। 3 सही है, ओके। देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ऐसा हो सकता है क्या? कोई ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं पार्क में, तो पार्क में जो बंदा मैनेज करता होगा वो कहाँ रहता होगा? ज़मीन पे थोड़ी सोता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, मतलब कुछ ना कुछ तो ह्यूमन हैबिटेशन होगा ही, है ना। भले वो गार्ड्स का हो, भले वो सिक्योरिटी का हो, बट ह्यूमन हैबिटेशन कुछ तो होगा ही, राइट। तो 2 हो जाता है गलत। 2 गलत हो गया, तो क्या आंसर हो गया? सी हो गया, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब ये सियाचिन वाला जो ग्लेशियर, ये क्वेश्चन पता कहाँ से आया? यह है 2019 के पेपर से। 2019 में एक मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था जिसमें एक ऑप्शन था सियाचिन का, और यहाँ रिवर लिखी हुई थी, तो सियाचिन के अक्रॉस लिखी हुई थी नूबरा रिवर, ठीक है। वहीं से ये क्वेश्चन उठा के दे दिया है, थोड़ा सा चेंज करके। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट, अगर आपने वो अच्छे से एनालाइज किया होता 2019 वाला, तो आप बता देते कि इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ नूबरा वैली, ठीक है। यही इसका आंसर है। ये देखो, ये है अपना, ये नूबरा रिवर है, कहाँ गई नूबरा रिवर यार, ये रही नूबरा रिवर, ये रही नूबरा रिवर, ठीक है, और ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ नूबरा रिवर, ठीक है। विच द विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भिलसा, अब ये तो पता होगा तभी कर पाओगे, वैसे ग्रीन अगर गुजरात में है, भिलसा मार मिलसा भिलसा MP में ही है, 1 इन 3 होना चाहिए इसका आंसर, हाँ 1 इन 3 है, भिलसा इज़ इन MP और ग्रीन अगर इन गुजरात, ये पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो छोड़ देना अगर नहीं आता है तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। 36% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर, ऐसा है क्या 36% ओवर एक्सप्लॉयटेड है क्या? 36% तो ज़्यादा हो जाता है, 36% नहीं ओवर एक्सप्लॉयटेड है ना, नहीं तो हर किसी को अभी वाटर स्कैसिटी हो रहा होता। तो पहला तो गलत हो गया, 36% ज़्यादा नंबर है, 36 नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है। 3rd पे देखते हैं, इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन द वर्ल्ड। यस, इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट, इंडिया में बहुत पानी वेस्ट होता है, बहुत पानी इरीगेशन में जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली. ओके, क्या ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओनली आ गया? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, फिर से गलत कर देंगे हम इसको. ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, गलत हो गई. ये गलत हो गई तो क्या हुआ? बी और सी में ऑप्शन है. अब फिर से थ्री हम देख लेते हैं. टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 degrees लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. लेसर तो नहीं होता है बल्कि 10 degrees ज़्यादा होता है, तो थर्ड भी गलत हो गया. क्या है इसका आंसर? सी. ठीक है, ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है. एमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. अब देखो, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप कर सकते हो. कैसे? पहला बोला कॉर्बेट, दूसरा रणथंबोर, नागार्जुन सिरिसेलम एंड सुंदरबंस. अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व? सबसे बड़ा ये है नागार्जुन सिरिसेलम. अभी तभी तो ये सेपरेट हो गया, नागार्जुन अलग हो गया, सिरिसेलम अलग हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा था ये. तो सबसे बड़ा क्या होगा, लार्जेस्ट एरिया किसके अंदर होगा? नागार्जुन सिरिसेलम. यही इसका आंसर है. ठीक है, तो ये होता है हमारा ख़त्म. ठीक है, अगला हम 2019 का डिस्कस करेंगे सेम ऐसे ही, उसमें ट्रिक्स लगाएंगे. ठीक है, या तो फिर आप हमको ये कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन वैसे चाहिए, पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए जिसमें ट्रिक लग रहा हो, तो वो भी हम कर सकते हैं ना. हमारा मोटिव ये है कि पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कितने में ट्रिक लगता है, कितने में नहीं लगता है ना. तो थोड़ा अब 2020 वाला पेपर थोड़ा अब्रप्ट था, तो इसमें कम ट्रिक्स लग रहे हैं, बट 2019-18 में थोड़े ज़्यादा ट्रिक्स लगे हैं. ठीक है, तो वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आगे लेक्चर देखते रहिए, है ना. स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.